हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस नेक डिज़ाइन का बैक पार्ट का वीडियो शेयर किया था, कटिंग एंड स्टिचिंग का। और आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो शेयर करूँगी, कटिंग एंड स्टिचिंग का, जो हम बोट नेक प्रिंसेस कट पर बनाएंगे। तो ये बोट नेक की डिज़ाइन है, तो इसमें मैंने आपको बताया था इसे आपको कैसे कटिंग और स्टिचिंग करना है। अगर आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो जो ब्लाउज़ में से बचा हुआ फैब्रिक था वो मैंने इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है। और टोटल लेंथ लेनी है, देखिए बैक पार्ट की लेंथ ली थी मैंने 14.5 इंच टोटल लेंथ ली थी मार्जिन ऐड करते हुए, और क्योंकि 13.5 इंच मुझे तैयार रखना था इस ब्लाउज़ को। और यहाँ पर अब मैं फ्रंट पार्ट की लेंथ लूँगी 15 इंच, जो टोटल लेंथ थी ब्लाउज़ की उसमें मैंने 1/2 इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि आपको पता है प्रिंसेस कट वाले पार्ट में, फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच लेंथ बढ़ा कर लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। शोल्डर आर्मोस लेने हैं आपको 36 साइज में, बोट नेक में 7 इंच। बोट नेक ब्लाउज़ में हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, तो शोल्डर और आर्मोल्स हमने यहाँ पर 7 इंच रखे हैं 36 साइज़ में। चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है आपको यहाँ से 9 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 2 इंच का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम भी रख सकते हैं, पर 1.5 या 2 इंच का ही मार्जिन आप लें ब्लाउज़ में। और देखिए नीचे की तरफ से हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है, तो कमर है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेना है हमें 7.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। अब हमें साइड से प्रिंसेस कट वाले पार्ट के लिए कपड़ा बढ़ाना है, तो देखिए वो हम बढ़ाएंगे, मार्जिन लेंगे, ऊपर से 1 इंच लिया है और नीचे की तरफ से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आप हमेशा थोड़ा बढ़ा कर ही लें, कटिंग करते समय बैक पार्ट से नाप लें और अगर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उससे कट कर लें। पर अगर आप कम लेंगे तो फिर आपका मार्जिन भी यहाँ पर कम हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट पार्ट कटिंग करते हैं तो हमारा फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है चौड़ाई में, तो इसलिए मैंने साइड से यहाँ पर इतना कपड़ा बढ़ाया हुआ है। तो ये हमें आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया है, ये भी हमें बोट नेक ब्लाउज़ में करना होता है। तो देखिए प्रिंसेस कट की मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। अब पहले हम कपड़े को सीधा कर लिया है मैंने नीचे से, और देखिए यहाँ पर हम ये फ्रंट ओपन नहीं है तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे, और अगर ये फ्रंट ओपन होता है तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेते हैं। अब ये साइड जिप वाला ब्लाउज़ है, यहाँ से भी 3 इंच लिया है, एक लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ मिला दिया है मैंने। 1/2 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है, देखिए हमने 1/2 इंच लेंथ में बढ़ाया था यहाँ से प्रिंसेस कट वाले पार्ट के लिए, तो यहाँ से हमें सिर्फ कमर के साइड से हमें इसे कम करना होता है। यहाँ से लेना है 1.75 इंच, 1.25 इंच लिया है और लेंथ में 2 इंच लिया है। अब हम इसे इस लाइन को आर्मोस की तरफ मिला देंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, और जो 1/2 इंच है यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें कम करना होता है। देखिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पर 1/2 इंच हमने यहाँ से कम किया है, क्योंकि जब हम आप ये वाला पार्ट कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है 1/2 इंच का, क्योंकि ये पार्ट छोटा हो जाता है इसलिए, और इसलिए हमने यहाँ से ऊपर आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिन्हें ये मेरी मेथड समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने आज एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से इसे बढ़ाया हुआ है, जो मैं प्रिंसेस कट में सभी में आप लोगों को बताती हूँ कि लेंथ में हमें 1/2 इंच बढ़ा कर लेना होता है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ कम हो जाती है, और आर्मोल्स की गोलाई भी प्रिंसेस कट में हमें बाद में देनी होती है जब हम ये वाला पार्ट जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट हमने कटिंग करा है इसलिए हम 1/2 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम ये जोड़ते हैं दोनों ही पार्ट को तो ये पार्ट हमारा छोटा हो जाता है इस तरीके से जब हम जोड़ते हैं, तो इसलिए गोलाई भी हमें यहाँ पर गहराई भी बाद में देनी होती है। तो देखिए हमने इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है, अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो 2 इंच यहाँ से मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है आपको। आर्मोल्स नाप लेने कितने आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 7 इंच आ रहे हैं, उसमें 1/2 इंच मैंने 1/2 इंच प्लस कर दिया है।
और यहाँ पर मेरा स्लीव्स का कपड़ा कम था, तो देखिए मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा लिए हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप अस्तर में पहले जॉइंट लगा लें, उसके बाद आप स्लीव्स की कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 5 इंच, और जो हमने आर्मोज नापे थे बैक पार्ट के 7.5 इंच, वो यहाँ पर लेंगे हम। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पर इसे डाउन करेंगे। तिरछी लाइन आप एक ड्रॉ कर ले और यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर दे रहा है हल्के हाथों से आपको। तो ये स्लीव्स से बिल्कुल परफेक्ट आती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर आपको स्लीव्स राउंड ले लेना है 6.5 इंच पर, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर गहराई दे देनी है 1/2 इंच जितनी हमने यहाँ पर गहराई दी है, और मार्किंग भी कर लेनी है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है मैंने इसे, और ये बॉर्डर है जो हमें स्लीव्स पर लगाना है। अब मैंने यहाँ पर बुकरम लिया हुआ है फ्रंट नेक में लगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट की जो नेक विड्थ रखी थी वो भी 4 इंच ही ली थी, फ्रंट पार्ट में भी 4 इंच ही लेना है। लेंथ लेनी है 4.5 इंच पे, अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहें तो 5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से एक बॉक्स बना ले, उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से राउंड शेप दे देना है बोट नेक का, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। इस तरीके से बीच से भी इसे कट कर लेना है आपको। देखिए इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर अटैच कर लेंगे। अगर आपका चिपकाने वाला पेस्टिंग होता है तो आप उसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लें। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा कर इसे अटैच कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गई है, आइए हम स्टिचिंग करते हैं। तो पहले दोनों ही पार्ट को इस तरीके से बराबर कर लें, आप आमने सामने रख लें और पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद सिलाई लगाकर चारों तरफ से अटैच कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है, अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है, फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से बराबर करके पिन लगा लें, और यहाँ पर इसे भी चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है आपको। देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को कट कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े को, अब हम नीचे की तरफ से इसे जॉइंट करेंगे। तो ये ध्यान रखें आप कि आपको दोनों तरफ से नीचे से ही इसे जॉइंट करना है, ऊपर से जॉइंट नहीं करना है आर्महोल्स तरफ से, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बहुत हमारा छोटा बड़ा होता है तो वो हम आर्महोल्स तरफ से एडजस्ट कर लेते हैं गहराई करके। तो देखिए मेरा पार्ट भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसे हम आर्महोल्स की तरफ से, ये प्रॉब्लम आती ही है जब हम इसे जॉइंट करते हैं। तो आपको इसमें ब्लाउज़ में देखिए फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अभी आर्महोल्स की गहराई देकर। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी लेंथ में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसे नीचे से जॉइंट करेंगे, तो नीचे से आपका पार्ट बिल्कुल बराबर ही रहेगा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पिन लगा लूँगी ताकि दोनों ही पार्ट हमारे बराबर कट जाए। अब यहाँ पर देखिए हमें आर्महोल्स की गहराई इस तरीके से दे देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट को बराबर करके कट कर लिया है, अब सिलाई लगाकर पैक कर लीजिए। दोनों ही तरफ इसी तरीके से कर लेना है, सेंटर मार्किंग करनी है नेक जॉइंट करने के लिए। तो सेंटर मार्किंग हमने कर ली है, अब हम हमारा नेक रेडी कर लेंगे। नेक मैंने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसे फोल्ड कर लेंगे।
तो आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको नेक को बराबर करके। अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे नेक पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर, सिलाई आपको बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। इसे अटैच कर लिया है। मैन जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और एक सिलाई आपको नेक को इस तरफ करके लगा लेनी है। और इसे फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की दे देनी है। और मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नेक बैक पार्ट में भी लेस लगाई हुई है। अगर आप इसे सिंपल ही रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। और नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो नेक की तरफ से बराबर करते हुए आपको नेक की तरफ से बिल्कुल हमारे शोल्डर बराबर आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे। मैं एक सिलाई इसके कॉर्नर्स पे भी लगा देती हूँ ताकि धागे ना निकले। और देखिए यहाँ पर अभी हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है और फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है इस तरीके से। पिन लगा लेना है आपको और चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से बराबर करके चेक कर लें दोनों तरफ से। अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे कट करके निकाल देना है आपको। और इस तरफ से भी बराबर करके चेक कर लेना है। एक सिलाई में इस तरफ लगा रही हूँ क्योंकि उस तरफ तो हमारी जिप आ जाएगी। और दोनों ही तरफ पहले मैं सिलाई लगा दूंगी। एक कच्ची कच्ची सिलाई मैंने दोनों तरफ लगा दी है और आर्म होल्स को बराबर कर लिया है यहाँ से इस तरीके से। अब मैं दोनों तरफ की सिलाई खोल दूंगी। दोनों ही तरफ से मैंने सिलाई को खोल लिया है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स देखिएगा आपको इस तरीके से रेडी करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसे बराबर करके चेक कर लेना है कि यहाँ से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कट करके निकाल दे, सेंटर मार्किंग कर ले। अब मैंने लेस ली है उसे बराबर कट कर ले और इस तरीके से सेंटर मार्किंग कर ले। तो इससे हमारी लेस बिल्कुल बराबर लग जाएगी। सेंटर मार्किंग करके लगाएंगे तो आप तो देखिए हमने यहाँ पर लेस लगा ली है। मैंने दोनों ही स्लीव्स रेडी कर ली है और थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा था शोल्डर की तरफ से, तो उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम सेंटर से शोल्डर यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। स्लीव्स आप हमेशा सेंटर से ही जॉइंट करें। दोनों ही तरफ से स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है आपको। इस पे डबल सिलाई लगा ले और दोनों ही तरफ की स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। अब हम एक तरफ सीधी तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे अंदर की तरफ चली जाती है। एक तरफ तो मैं जिप लगा रही हूँ इस ब्लाउज में। देखिए अब हमें क्या करना है, एक सिलाई एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरफ हम लगा लेंगे।
यहाँ से आपको मार्किंग करनी है, तो ही चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम 9 इंच और 7.5 इंच लेकर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स राउंड लेना है 6.5 इंच पर, और फिटिंग के लिए यहाँ पर हमने मेज़रमेंट ले लिए हैं। अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सेम मेज़रमेंट आपको इस तरफ से भी लेना है। सेम मेज़रमेंट मैंने ले लिया है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, देखिए स्लीव्स राउंड भी लेना है यहाँ से 6.5 इंच पर। और जो हमारा आर्मोल्स वाला पार्ट है वहाँ से सिर्फ 1 इंच नीचे तक आपको सिलाई लगानी है, बाकी नीचे तो हमारी जिप आ जाएगी। सिर्फ 1 इंच नीचे तक ही आपको सिलाई लगानी है यहाँ पर। इस तरीके से स्लीव्स को बराबर कर लें। अब हमें देखिए यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए मार्किंग करनी है, तो इस तरीके से आप दूसरी तरफ भी मेज़रमेंट ले लें, क्योंकि हम ज़िप लगाएंगे इसमें तो हमें सीधी तरफ से लगाना होता है, ये इनविजिबल ज़िप है। मेज़रमेंट आप बराबर से ले लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इनविजिबल ज़िप ली हुई है, इसे हम पूरा ऊपर तक खोल लेंगे। और देखिए इस तरीके से रखनी है ज़िप आपको। और इसे खोलते जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है आपको। मैंने यहाँ पर वन साइड वाला फुट लिया है, फुट मैंने अपना मशीन का चेंज कर लिया है क्योंकि इनविजिबल ज़िप है जो इसी से लगेगी। एक तरफ लगा ली है मैंने, दूसरी तरफ देखिए इस तरीके से लगाऊंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर इस ज़िप को खोल इस तरीके से इसके कुंदे को नीचे की तरफ करके निकाल लेंगे और ये इजीली बंद हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा ज़िप हमारी बाहर की तरफ आ रही है हम उसे कट करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे। और नीचे की तरफ आपको एक हुक भी लगाना होता है जब भी हम ज़िप वाला ब्लाउज़ बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है इसे, और इस पे सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।